हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 3D एनिमेशन के जरिए ESP को देखेंगे और उसकी वर्किंग प्रोसेस को देखकर समझ सकेंगे। यदि आप ESP के बारे में जानते हैं तो यह 3D व्यू बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, और यदि नहीं जानते तो ESP पर कंप्लीट डिटेल्स की वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ESP के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोयला के बर्न होने के बाद उसमें जो हॉट गैसेस और एस पार्टिकल बच जाते हैं, इन्हीं एस पार्टिकल को हॉट गैसेस से अलग करने के लिए ESP का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर है, जो कि ESP का फुल फॉर्म है। यहां से फ्ल्यू गैस सप्लाई होता है, जिसमें कि एस पार्टिकल भी साथ में होते हैं। यहां से फ्ल्यू गैसेस और एस पार्टिकल इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड से टकराते हैं। हालांकि ये लटकाए हुए छड़ फुली चार्ज्ड होते हैं, जिसके कारण ये एस पार्टिकल को खींचकर चिपका लेते हैं और हॉट गैसेस को आगे की ओर भेज देते हैं।